हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीरोडोल एसपी टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको इपका कंपनी लेबोरेटरीज एलटीडी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो एक्लोफेनेक इसमें 100 mg होता है और पैरासिटामोल इसमें 325 mg होता है और सेरोपेप्टिडाइज के बारे में बात करें तो 15 mg होता है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करें तो 97 रुपये इसका MRP होता है और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यह टैबलेट काम कैसे करती है। बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीरोडोल में 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक्लोफेनेक, पैरासिटामोल और सेरोपेप्टिडाइज। एक्लोफेनेक NSAID ग्रुप की दवा है, यानी कि यह दर्द सूजन को दूर करने का काम करती है। पैरासिटामोल के बारे में बात करते हैं, बुखार को दूर करने की दवा है। यह विशेष रूप से उन केमिकल मैसेंजर्स को मस्तिष्क से निकलने को रोकती है जिनकी वजह से दर्द या बुखार होता है। सेरोपेप्टिडाइज के बारे में बात करते, सेरोपेप्टिडाइज एक प्रकार का एंजाइम है जो कि इन्फ्लेमेशन वाली जगह पर इकट्ठे हुए एबनॉर्मल प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है। अब हम इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट का प्रयोग किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए यूज में लिया जाता है। यूजेस के बारे में बात कर तो इस टैबलेट का प्रयोग सिर दर्द को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है और बात कर तो हल्के माइग्रेन को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और मासिक धर्म से जुड़े हुए दर्द को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और बात कर तो जॉइंट पेन को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और बात कर तो बुखार को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। गठिया से संबंधित दर्द को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और बात कर तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट सर्जिकल पेन या इन्फ्लेमेशन में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ये इस टैबलेट के यूजेस के बारे में जानकारी थी। अब हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको जीरोडोल एसपी नाम से यह टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। आइबुजेसिक एएसपी टैबलेट, मूव ऑन एसपी टैबलेट, एनाफ्लेम एक्सपीएस टैबलेट, एसिक्लोसेरा टैबलेट, फ्लोजन AA टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है, सिर्फ कंपनी और MRPs का फर्क है। इनमें से जो आपको मिले, जो रेट के हिसाब से ठीक लगे, आप वो परचेज कर सकते हैं। अब हम इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इस टैबलेट को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं? उल्टी या जी मिचलाना, पेट में दर्द होना, अपच की समस्या होना, सीने में जलन होना, भूख की कमी होना, डायरिया होना, यानी कि दस्त लगना, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इस टैबलेट की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। 4 डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसे कि आपको पता है कि इस टैबलेट की डोज एडल्ट्स में दी जाती है। बात करें तो इस टैबलेट को आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, सुबह और शाम, और इस टैबलेट को आपने खाना खाने के बाद ही यूज करना है। इस टैबलेट को आपने खाली पेट नहीं लेना है क्योंकि इस टैबलेट को खाली पेट लेने से आपका पेट अपसेट हो सकता है। अब हम जीरोडोल एसपी टैबलेट की कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। किनको इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट महिला को इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए या जो ब्रेस्ट फीडिंग महिला है उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किडनी या लीवर से जुड़ी समस्या है उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बात कर तो जो व्यक्ति अल्कोहल का यूज करते हैं उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। और बात कर तो जिनको दमा की प्रॉब्लम है यानी कि सांस की समस्या है उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। जिनको दिल का दौरा है उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। ये इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट का प्रयोग ना करें? एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रोल, डिक्लोफेनेक, नुक्सापेरिन, हेपरिन, आइबुप्रोफेन, डेल्टीपारिन, ये कुछ मेडिसिन है। इनके साथ आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। ये जीरोडोल एसपी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।